कितना दिन हो गया ये जो? हो गया भी बहुत ज्यादा दिन नहीं है। एक साल दो साल? एक साल दो साल नहीं। कितना? 5-6 months। ये जो इसका वजह से होता है क्या? पुता क्या था कान को? हाँ, कान पुता किया था। ये कान पुता करने से ऐसा होता है? आजकल का लड़की लोग ज्यादातर कानपुर 2-3 तो पहनता है ना। यहाँ में जो भगवान जो बनाया, यहाँ में पहनने के लिए जो बनाया है ना, ये अच्छा चीज है। यहाँ में पहनना है, यहाँ नहीं पहन के ऊपर में ज्यादा स्टाइल करने का चक्कर में ऊपर में, यहाँ में ये तो पुटा करने का जगह नहीं है ना। ये वो है, क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं हम लोग उसको, डॉक्टर लोग। ये हार्ड वाला चीज होता है, तो सॉफ्ट यहाँ में भगवान दिया है, यहाँ में पहनो तो यहाँ में जितना पहनने से भी किलोइड नहीं निकलता है, इसको हम लोग किलोइड बोलता है। लेकिन आप यहाँ में 2-3 पुता करता है, अगर आजकल लड़का लोग भी पुताना शुरू होता है तो इसका वजह से यहाँ में देखो इस तरह से बड़ा सा निकलता है। ये दूसरा कान में भी निकल, दूसरा कान में पुता क्या था? उसमें भी पुता क्या था? उसमें नहीं निकला ना, उसमें भी निकलेगा। देखो ऐसा होता है, तो अभी इसको काटने से भी इसका इलाज ये है कि इसको हम लोग काट सकता है। हाँ। काटने से भी फिर वो निकलता है, मतलब 2 साल में निकलता ही है। ये पहले खाता था क्या? हाँ, पहले लखीमपुर में खाता था। अभी कितना साल पहले निकला खाता था? एक साल पहले। देखो विदिन 1 ईयर में फिर रिपीट हो गया, तो अभी हम लोग काट देगा इसको। लेकिन काटने के बाद कुछ इंजेक्शन देना होता है इसको रिकरेंस नहीं होने के लिए ना। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आपको फिर से बता रहे हैं कि उसको अपना दोस्त लोग को भी बोलना है, यहाँ से पुता यहाँ से ऊपर से नहीं करना है, हमेशा नीचे में करना है। अपना से पुता किया ना पार्लर में? क्या खुद किया है। और भी इन्फेक्शन हो सकता है उससे। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लिया ना किलोइड कितना स्कार क्रिएट कर सकता है यहाँ पे, स्पेशली हमारा जो यूथ लड़का और लड़की लोग को हम अवेयरनेस के लिए बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ईयर पियर्सिंग करेगा तो इस तरह से किलोइड होगा। किलोइड बोलते हैं हम लोग जो यहाँ पे एक्स्ट्रा से निकलता है ना, ये पियर्सिंग नहीं करने से भी कभी कभी बीमार से भी निकलता है, और कभी कभी इसका ये जो यहाँ में पिंपल्स टाइप का स्किन डिजीज होने से भी निकलता है, और कभी कभी टैटू बनाने से भी निकलता है। हाँ, यहाँ टैटू नहीं बनाना है, और तो कभी कभी चोट लगने से भी निकलता है यहाँ में। सिर्फ पियर्सिंग का बात नहीं है, जैसे आप गिर गया कहीं में या फिर कुछ कट गया यहाँ पे, ऐसा होने से भी निकलता है। तो ये ग्रो होने के लिए कम से कम 3 महीना से लेके 1 साल तक लगता है। अभी फियर्स हो गया तो आज निकलेगा ऐसा नहीं है, 3 महीना जैसा मिनिमम लगता है उसको अभी बड़ा होने के लिए, और धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है। और इसका जो जैसे आप देखने में खराब होगा, और ये लेकिन कैंसर नहीं होगा और ट्यूमर ऐसा जैसा तो नहीं होता है, लेकिन ये देखने में खराब होता है, और कभी कभी दर्द भी होता है इन्फेक्शन होने से, और इचिंग बहुत होता है, और इसे अनईजी फील होता है। ये ना देखने में तो खराब है ही है, आपका जो ईयर में है तो लुक्स को इफेक्ट करता है। उसके बाद ये जो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा बोलने से, हम लोग अगर यहाँ ट्रिम्स में आने से हम लोग उसको लेजर से भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास लेजर नहीं है तो हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सीजन कर देते, काट देता है, काट के निकलता है, और नहीं काट के भी उसको इंजेक्शन भी देता है हम लोग, कोर्टिकोस्टेरॉइड बोलता है, जो स्टेरॉइड इंजेक्शन देता है हफ्ता में एक एक बार देके 5 डोज जैसा देके साइज को कम कर सकता है, उसके बाद काट सकता है। उसके बाद काटने के बाद फिर ये हाई रिकरेंस रेट है इसका ना, 2 साल में फिर निकल जाता है। अभी के जैसे ये केस 1 साल में निकल गया, तो ऐसा जैसा उसको दोबारा नहीं निकालने के लिए हम लोग काटने के बाद भी इंजेक्शन देता है, और काटने से पहले भी साइज को थोड़ा कम करने के लिए इंजेक्शन देता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन बहुत साइड इफेक्ट होता है उसको, इंट्रालीजन यहाँ से ही मारते हैं, IV और IM ऐसा नहीं मारता है, और इसको डॉक्टर लोग ही मारते हैं ज़्यादातर, ऐसे जहाँ था इसको इंजेक्शन को अपना से नहीं मार सकता है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट बहुत है, इसमें रिएक्शन हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, कोलैप्स हो सकता है, इसलिए डॉक्टर का सामने भी मारता है ताकि कुछ इमरजेंसी होने से डॉक्टर खुद मैनेज करेगा, तो इसलिए। और इसका जो माइनर सर्जरी यहाँ हमारा ENT में आराम से हम लोग होता है, यहाँ में एवरी ट्यूजडे को हम लोग ऑपरेशन यहाँ करते हैं, तो आप किसी के पास अगर है तो आप आके यहाँ करवा सकते हैं, उसके लिए पैसा नहीं लगता है आपको। माइनर OT चार्जेस मैक्सिमम 200-300 रुपया लग सकता है, अदरवाइज यहाँ पे आपको आराम से ऑपरेशन हो जाता है।
लेकिन ऑपरेशन का इतना वो नहीं है, लेकिन ये पर सबसे पहले तो आप प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन तो वही है, ईयर पियर्सिंग बिल्कुल नहीं करना है, लड़की लोग भी और लड़का लोग भी। पियर्सिंग नीचे करना है, आप नीचे में सिर्फ एक करो, इसमें आपका सुंदरता बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ ऊपर बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पे हार्ड पोर्शन है, ये कार्टिलेज बोलता है, इसमें बिल्कुल नहीं करना है, मतलब यहाँ नहीं करना है। यही आज का मैसेज है। थैंक यू।